only country in the world which has a secretariat. Now other countries are trying to follow it also. और ये 2014-15 में established हुआ, हमने provinces को on board लिया, all provinces ने focal persons बनाए, और जो implementation है after the 18th amendment, it is with the provinces, तो हमने उसको भी इसको push किया, और इस अब हम recognised हैं by United Nations also और Commonwealth Parliamentary Association. फिर मैंने कंजूस आदमी हूँ बाय नेचर, मैंने एनर्जी ऑडिट कराया नेशनल असेंबली का. मैंने कहा जी ये इतना जो बिल आ जाता है लाखों करोड़ों रुपए का, ये तो बहुत ज़्यादा है. देन वी रियलाइज्ड कि हमें सेविंग कहाँ करनी है, एलईडी कहाँ लगानी. तब वो प्रेसिडेंट चाइना के आ रहे थे, वो कहने लगे कि जी नेशनल असेंबली में आके चाइना के प्रेसिडेंट ने तकरीर करनी है, तो उनके प्रेसिडेंट साहब शी जिनपिंग थे, मगर उनके एम्बेसडर मिस्टर सन थे. वो आए कि जी मुझे कहा गया टू आस्क यू व्हाट कैन बी गिफ्ट यू. तो मैंने कहा जी आई वांट टू गो ग्रीन. तो हमने 1 मेगावाट 2015 में इंस्टॉल किया, एंड वी आर द ओनली पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड. हम जहाँ जाते हैं हमें पूछा जाता है अच्छा जी कैसे किया, क्या हुआ, एंड वी आर द ओनली पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड विच इज़ टोटली ग्रीन नाउ. और तो अब हम सोलर की बात कर रहे हैं, हमने सोलर 2015 में कर दिया था, हमने किया था, और वो एनर्जी ऑडिट से हमने फिर सेविंग भी की. अब हमने कई दफ़ा इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक से पैसे लेने होते हैं, देने नहीं होते. इसी तरह हमारा लाइसेंस जो है ना, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग का लाइसेंस है वो दैट इज़ 0001, और जो रेजिडेंस है स्पीकर का दैट इज़ 0001 फॉर रेजिडेंसेज ऑफ ऑल गवर्नमेंट. सो दैट मीन्स गवर्नमेंट ने कभी कोई सोलर प्रोजेक्ट इससे पहले नहीं किया था, अगर नेपरा ने जो हमें दिया. फिर मैंने ये सोचा कि रिक्रूटमेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपकी आपका बेसिस है, आपका स्ट्रेंथ है, वो आपके टीचर्स होते हैं या आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो ऑफिसर्स होते हैं. तो जब मैंने एडवर्टाइज़ किया तो कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, उनकी सिफारिशें आनी शुरू हो गई. तो फिर मेरे पास रास्ता क्या, और MNS की भी सिफारिशें, उनके भी रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो मैंने स्पीकर के हाथ काट के मैंने भेज दिया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन. तो वी स्टार्टेड गेटिंग पीपल फ्रॉम द जुडिशरी, FIA, पुलिस, जो ऑलरेडी PCS करके या कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके वहाँ थे, उनमें इतनी अट्रैक्शन थी, दे वॉन्टेड टू कम टू पार्लियामेंट बिकॉज एक प्रेस्टीज की वजह से. और हमने रिक्रूटमेंट 16 ग्रेड एंड अबव इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को दे दिया, एंड वी हैव गॉट सम वेरी गुड ऑफिसर्स जो कि अब स्ट्रेंथ हैं पार्लियामेंट की. फिर हमने वेरियस प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, तो पहले हेड हमारी पार्लियामेंट के शमून हाशमी साहब थे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को जो कि अब स्पेशल इनिशिएटिव्स कहते हैं, जितने इनिशिएटिव्स लेते जा रहे हैं उसको हमने यूनिट बनाया ताकि इसको प्रॉपरली हैंडल. फ्रेंडशिप ग्रुप्स मैंने बताए, मैंने ये देखा कि हम वेरियस कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री, वहाँ हम देखते थे द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एज इफ देव बीन फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. फिर हमने ये डिसाइड किया 2013 में, लेट अस क्रिएट आर फ्रेंडशिप ग्रुप विद अदर कंट्रीज़, ताकि एक रिलेशनशिप हो, लेट अस लर्न फ्रॉम देम और लेट अस टेल देम व्हाट आवर प्रैक्टिसेस आर, व्हाट वी डू. सो हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में फ्रेंडशिप ग्रुप बने, और उसका फ़ायदा क्या हुआ, जिस मेंबर पार्लियामेंट को जर्मन के मैं मिला था 2007 में, उससे मेरी तबीयत ऐसी है, मेरा ख्याल है शायद मैं वन ऑफ द पार्लियामेंटेरियन होंगे जिसका हर पॉलिटिकल पार्टी से एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे ऑपोजिशन, एंड मैं आई टेक प्राइड इन दैट बिकॉज मेरे पास एक ही चीज़ है देने की, वो रिस्पेक्ट है.